मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी आपको सबसे पहले बात तो ये जानना होगा कि आज के वक्त में पूरे वर्ल्ड में एक भी ट्रिलियनेयर नहीं है। हर कोई अमीर बनने की शॉर्टकट की तलाश में है, चाहे रोड के किनारे में नींबू सोडा बेचने वाला हो या फिर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक। हर कोई रात को सोते वक्त बिलियन डॉलर्स कमाने के सपने देखता है और दुनिया के रईस इंसान जैसे कि मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट की सूची में शामिल होना चाहता है। 7 बिलियन की इस आबादी में पैसे कमाने के नए आइडियाज ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। और हो सकता है आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर अभी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। वो कोई भी हो सकता है, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स या फिर कोई आम आदमी जो अभी आपके बगल से गुजर गया हो और आपको उसके ध्यान भी ना हो। तो आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता है? आंसर सिंपल है, एस्टेरॉइड माइनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा से। सबसे पहले तो हम लोग 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन को हमारे देशी भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर ये होता कितना है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। अब हम लोग यहाँ पर डॉलर के टर्म्स में बात करेंगे। कोई सा भी मूवी आपने देखा होगा या फिर विदेशी न्यूज़ चैनल को जब आपने देखा होगा कि वो उन लोग बोलते हैं कि ही इज़ अ मिलियनेयर और बहुत आश्चर्य करते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कि अरे कोई 10 लाख रुपए कमा के वो उतना बड़ा बात क्यों हो जा रहा है। क्योंकि 10 लाख रुपए हम लोग यहाँ के भाषा में हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ के वैल्यूज़ में हम लोग उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम लोग उसको डॉलर के टर्म्स को, जब हम लोग डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें, तो 10 लाख डॉलर मतलब लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिलियनेयर जब विदेश में, जब अमेरिका में बोलता है कि वो मिलियनेयर है, उसका मतलब वो करोड़पति होता है, लखपति नहीं। आप भारत देश में इसको भले ही लखपति समझ सकते हैं। वैसे ही 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ हमारे देशी लैंग्वेज में। लेकिन अगर हम लोग इसको अमेरिकन डॉलर्स की वैल्यू को हम लोग जब कन्वर्ट करें तो 100 करोड़ × 60-70 times, अभी आजकल जो हमारा वैल्यू चल रहा है वो 70 times, मतलब लगभग 7,000 करोड़ रुपए। अब आप समझ रहे होंगे बिलियनेयर मतलब कितनी बड़ी बात होती है जब हम लोग अमेरिका के वैल्यू को जब हम लोग कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही अभी आपको सबसे पहले बात तो ये जानना होगा कि आज के वक्त में पूरे वर्ल्ड में एक भी ट्रिलियनेयर नहीं है। 1 ट्रिलियन का मतलब कितना होता है? 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। और अगर हम लोग इसको डॉलर को हम लोग अगर इंडियन वैल्यूज़ में अगर हम लोग कन्वर्ट करके देखें, मतलब 70 लाख करोड़ रुपए। आज तक के पूरे दुनिया में किसी का भी इतना नेटवर्थ नहीं है। अभी दुनिया के सबसे रईस इंसानों में जेफ बेजोस का नाम आ रहा है जो कि अमेजन के मालिक हैं, उनका नेटवर्थ भी इतना नहीं है। तो आखिर कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है? जैसा कि हमने देखा एस्टेरॉयड माइनिंग। अब हम एस्टेरॉयड माइनिंग का मतलब समझ लेते हैं। माइनिंग का मतलब तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जैसे कि लोहा हो गया, फिर किसी भी प्रकार के मेटल्स हो गए या प्रीशियस मटेरियल्स भी हो गए, वो सब माइनिंग के थ्रू ही आते हैं। जैसे कि स्टील, सोना, सिल्वर, डायमंड, ये सब माइनिंग के थ्रू ही आते हैं। अब एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे बहुत लार्जर ऑब्जेक्ट्स जो कि कोई रॉक हो सकते हैं या फिर एक प्लैनेट से थोड़ा छोटा या फिर मून से भी छोटा हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो एस्टेरॉयड माइनिंग मतलब कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही प्रीशियस मटेरियल्स जिसमें रखे हुए हैं उनकी माइनिंग करना। वो इतने प्रीशियस मटेरियल्स हैं उसमें, जैसे कि हो गया प्लेटिनियम, हो गया टाइटेनियम, हो गया ऐसे बहुत ज़्यादा प्रीशियस मटेरियल्स उस एस्टेरॉयड में भरे पड़े होते हैं। बस हम लोगों को वो वहाँ से माइनिंग करके निकालना है। अब वहाँ पर माइनिंग करना आज के डेट में मुश्किल हो सकता है और आपको ये सुनकर एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा भी लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी हैरान करने वाली बात नहीं होगी अगर अगले 20 साल में ये साइंस फिक्शन से रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि अभी हमारे पास फिलहाल इसकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाएगी और हम एस्टेरॉयड माइनिंग कर पाएंगे।
नासा अभी 14,000 एस्ट्रॉइड्स और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ के आसपास मंडराने वाले ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहा है, जो अपने ऑर्बिट में कभी ना कभी अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाता है। ऐसे ही हम सभी सोचते होंगे कि कोई भी मंगल ग्रह पे क्यों जाना चाह रहा है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मंगल ग्रह का जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहाँ पर 20,00,000 से ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं। ये सारे में से मैक्सिमम एस्ट्रॉइड्स में प्रीशियस मटेरियल्स भरे पड़े हैं। जुलाई 2015 में 2011 UW-158 नाम का एस्ट्रॉइड हमारे प्लैनेट अर्थ के बहुत ही करीब से गुजरा। ये मात्र 24,00,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। अर्थ और मून के डिस्टेंस से ये मात्र 6 गुना की डिस्टेंस है। उस एस्ट्रॉइड में 9 करोड़ टन प्लैटिनम था। उसके अलावा और भी कई रेयर और प्रीशियस मटेरियल्स थे। साइंटिस्ट की अगर माने तो 1 किलोमीटर चौड़ा प्लैटिनम से भरपूर इस एस्ट्रॉइड का वर्थ $5.4 trillion था। आज के रेट में अगर इस वैल्यू को हम लोग देखें तो टॉप 10 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड के नेटवर्थ से भी ये कहीं ज़्यादा है। जिस डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नेटवर्थ उसके सामने एक छोटा सा पिद्दी मात्र लगता है। ये इतना ज़्यादा पैसा है कि ये इंडिया का नेशनल डेब्ट, पूरे भारत का जो इंटरनेशनल कर्ज है, उसको चुका सकता है। पर इससे भी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी 2013 में आया था। 15 फरवरी 2013 में 30 मीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉइड 2012 DA-14 नाम का एक एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरा। ये एस्ट्रॉइड इतना करीब से गुजरा कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के रिंग में ये घुस चुका था। अर्थ से मात्र 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे गुजरा। आपके रेफरेंस के लिए हम बता दें कि अर्थ और मून के जो डिस्टेंस है ये उस मात्र उसका 11वां हिस्सा। 30 मीटर की चौड़ाई वाले इस एस्ट्रॉइड का वर्थ अगर हम लोग देखें तो यह $20 trillion था। ये इतना ज़्यादा पैसा होता है कि अगर इतना पैसा अगर हमारे पास आ गया तो हम अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा रईस हो जाएंगे। भारत का स्टैंडर्ड अमेरिका से बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। पर फिर भी अगर हम लोग आज तक के सबसे ज़्यादा महंगे एस्ट्रॉइड को हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा नेटवर्थ वाले एस्ट्रॉइड को देखें, तो ये $20 trillion उसके सामने एक बहुत ही छोटी सी रकम है। एस्ट्रॉइड 1903 LU आज तक के पाया गया 7th largest एस्ट्रॉइड है। यह 1903 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर रेमंड स्मिथ डुग्गन द्वारा खोजा गया था। यह मार्स और जुपिटर के बीच में मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में उपलब्ध है और उसमें निकल, आयरन, कोबाल्ट, वाटर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में है। और ये सभी रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड हर बड़ी कंपनी की ज़रूरत है। इस एस्ट्रॉइड की कीमत इतनी ज़्यादा है कि यह सोच पाना भी मुश्किल है। इस एस्ट्रॉइड का डायमीटर 323 किलोमीटर का है। 323 किलोमीटर डायमीटर वाले इस 1903 एस्ट्रॉइड की कीमत $15.38 quintillion है। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, $15.38 quintillion। ये बात तो तय है कि एस्ट्रॉइड माइनिंग से ट्रिलियनर बना जा सकता है, पर आखिर एस्ट्रॉइड माइनिंग कौन करेगा और कैसे करेगा? मुख्य रूप से अगर नाम देखें तो दो नाम हमारे सूची में सबसे ऊपर आते हैं। एक है मिस्टर नवीन जैन। नवीन जैन IIT रुड़की और XLRI से पास्ड आउट एक अमेरिकन NRI है जो कि इस वक्त अमेरिका में बेस्ड है। उनका करियर का मैक्सिमम हिस्सा अमेरिका में बीता और उन्होंने बहुत सारे $1 billion कंपनीज फॉर्म किए। उनमें से 2010 में उन्होंने मून एक्सप्रेस नाम का एक कंपनी फॉर्म किया। मून एक्सप्रेस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य एस्ट्रॉइड माइनिंग ही है। अगर आपको नवीन जैन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, आप नीचे दिए हुए लिंक पे देख सकते हैं। और दूसरा सबसे प्रबल नाम हमारे सामने जो आता है वह है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क टेस्ला और SpaceX के फाउंडर और CEO है। इलॉन मस्क इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी है, जैसा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बताया। आपको इलॉन मस्क के बारे में जानकारी चाहिए, इस नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके देख सकते हैं, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो है।
आज की वीडियो में हमने देखा कि एस्ट्रॉइड माइनिंग से हम ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, ट्रिलियनेयर बनने के इसके अलावा भी कुछ तरीके हो सकते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइए। हो सकता है हमारे बीच में से कोई एक ट्रिलियनेयर बन जाए, और ज़रूरी नहीं कि वो एस्ट्रॉइड माइनिंग से ही हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इतने ज़्यादा लोगों से शेयर करें कि इस वीडियो को देख के लोग मोटिवेट हों ट्रिलियनेयर बनने के लिए। क्योंकि ट्रिलियनेयर बनने के लिए लोगों को अरबों लोगों की ज़िंदगी बदलनी होगी, और वो लोगों की ज़िंदगी को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोच बढ़े। और हमारे ऐसे ही यूनिक कंटेंट्स, इंस्पायरिंग कंटेंट्स और मोटिवेशनल कंटेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए